नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। लेखपाल डीबी कटाप, लेखपाल रिवाइज आंसर की कब तक आएगी? किस तहसील में होगी आपकी ज्वाइनिंग? ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, क्या उसका नंबर मिलेगा या नहीं, एक बच्चे ने पूछा, तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, एकदम रियल में हम बताएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैंने एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही बता सकता है जो कभी न कभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया हो, ठीक है? तो आप मेरे बात को गौर से सुनिए। लेखपाल रिवाइज आंसर की कब तक आएगी? तो लेखपाल रिवाइज आंसर की 25 सितंबर तक आ जाएगी। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट दिसंबर तक आएगा। किस तहसील में होगी आपकी ज्वाइनिंग? आप होम डिस्ट्रिक्ट से डाले हैं फॉर्म, तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तहसील भी मिलेगा, आपका सेम तहसील रहेगा, लेकिन अपना क्षेत्र नहीं मिलेगा। अपना क्षेत्र छोड़ के आपका कहीं ना कहीं आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है? रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट एक बार देख लीजिए फिर से, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज हैं डॉक्यूमेंट को लेकर। डीबी के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है? 10th की मार्कशीट लगेगा और क्लास 12th की मार्कशीट लगेगा, ठीक है? और इसकी चार कॉपी, चार फोटो कॉपी करा लीजिए, और ओरिजिनल मार्कशीट साथ में लेकर जाइए। वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ में आधार कार्ड और वोटर आईडी, पैन कार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं रहता है, तो आपका पैन कार्ड नहीं लगेगा, ठीक है? आधार कार्ड, वोटर आईडी, ठीक है, जिसमें पूरा डिटेल रहे, आपके गांव का नाम, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, तहसील का नाम, सब कुछ रहे, वही वाला आईडी लगेगा। रही बात और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पेट का सर्टिफिकेट लगेगा, आप उसका जीरोक्स करा लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन आप अप्लाई किए थे लेखपाल के लिए, उसका लगेगा, फॉर्म का फोटोकॉपी लगेगा, तो आप ये दोनों काम करा लीजिए। पेट की सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, नेशनल लेवल पर नहीं लगेगा, स्टेट लेवल वाली सर्टिफिकेट ही मान्य है, नेशनल लेवल की सर्टिफिकेट नहीं मान्य है। अगर आपके नहीं बने हैं तो आप बनवा लीजिए, अभी भी मौका है। ईडब्ल्यूएस पे तहसीलदार का हस्ताक्षर होना चाहिए। फ़ोटो, 10 फ़ोटो लगेगा, 8 से 10 फ़ोटो लगेगा। फ़ोटो कौन सा फ़ोटो लगेगा, जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे जो फ़ोटो आप फॉर्म में लगाए थे वही फ़ोटो लगेगा, तो आप उसका रखे होंगे डिटेल, तो आप वो फ़ोटो निकलवा लीजिए कहीं ना कहीं से। एफिडेविट, आपको एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट कहाँ से बनता है? एफिडेविट कोर्ट से बनता है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, सरकारी अस्पताल से बन जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट 2 लगेगा, एक ग्राम प्रधान का लगेगा, ये कंपलसरी है ग्राम प्रधान वाला, और एक चाहे एमपी से बनवा लीजिए या एमएलए से बनवा लीजिए, ये आपके ऊपर है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, प्रधान के स्टाम्प पर होना चाहिए, एमपी एमएलए के स्टाम्प पर होना चाहिए। निवास लगेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र 3 साल के अंदर का होना चाहिए। अगर आपके नहीं बने हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए। जात प्रमाण पत्र के लिए हम बताए ही हैं। अब रही बात डीबी के लिए क्या कटाव रहेगा, डीबी के लिए कटाव जो रहेगा, जनरल की डीबी के लिए कटाव जो रहेगी 72 से 75 के बीच में, जनरल की कटाव है। ओबीसी की क्या रहेगा, 71 से 73 के बीच में, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम रहने वाला है। एससी का 68 से 70 के बीच में, 68 से 70 के बीच में, और एसटी का 63 से 65 के बीच में, 63 से 65 के बीच में। अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए जो हम अभी बताए हैं, ठीक है। जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है, फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाली है, जनरल की फाइनल कट ऑफ 76, एक या दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, उसका हम यही कसम खाए हैं, लेकिन 76 रहने वाली है। ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 68 और एसटी की 64,
एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, बाकी कट ऑफ में बहुत चेंजिंग नहीं आने वाला है। हम फाइनल कट ऑफ किस हिसाब से निकाले थे आप ये भी देख लीजिए, बार बार वही बात बताने में अच्छा नहीं लगता है। फीमेल की जो कट ऑफ हम बताए थे, जनरल की 70 से 72, जो फाइनल कट ऑफ OBC की 69-70, EWS की 69-70, SC की 60 से 62, ST की 58-60, एक्स सर्विस मैन 55 से 60, PH फिजिकल हैंडीकैप 62 से 65 नंबर पा जाएंगे, तो इनका हो जाएगा, कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब चीज़ हो गया। अब रही बात धाधली का, तो धाधली वाला जो मामला है वो 4 सेंटरों पे ज़्यादा हुआ था, तो उसे उस सेंटर का पेपर होने की संभावना ज़्यादा है, बाकी पेपर रद्द नहीं होगा, पेपर निरस्त नहीं होगा, क्योंकि पेपर आउट नहीं हुआ था। ठीक है, 4 सेंटरों की री एग्ज़ाम होना है, और जितने लोग नकल किए हैं उन पर कार्रवाई हो गई है, उन पर FIR हो गया है, उनकी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा और फ्यूचर में वो कभी पेपर नहीं दे पाएंगे, और उनकी OMR सीट नहीं चेक होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं 200-300 लोगों का नकल हुआ है 4 सेंटर में मिला के, तो उनका पेपर रद्द हो गया है। ठीक है, और रही बात कोर्ट केस की, तो अभी तक एक भी रिट फाइल नहीं हुई है और ना उम्मीद है होने की। अगर कोई भी फाइल रिट होती है तो इसी चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले आपको बताएंगे। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ज़रूरतमंदों के पास जो लेखपाल का पेपर दिए हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।